गुरु राराधनादिश्च गुरु परम दैवतम् गुरु परतरम् नास्ति कृपालु गुरवे ब्रजरस रसिक महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि आनंद प्राप्ति ही प्रत्येक जीव का परम चरम लक्ष्य है। उस आनंद की प्राप्ति के लिए अनादिकाल से जीव प्रयत्नशील भी है, किंतु आनंद मिला नहीं। वेदादिकों ने बताया कि आनंद की प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति पर ही निर्भर करती है। अतएव ईश्वर को जानने के लिए हम शास्त्रों वेदों में गए, किंतु पता चला कि ईश्वर प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि का विषय ही नहीं है। हम लोग निराश हुए, लेकिन पुनः वेदादिकों ने बताया कि यदि भगवान किसी जीव पर कृपा कर दे तो उसकी कृपा से कोई जीव उसको जान सकता है और प्राप्त कर सकता है। पश्चात यह भी बताया वेदों शास्त्रों ने कि उस कृपा को पाने के लिए भगवान की शरण में जाना होगा और शरणागति मन को ही करनी होगी, लेकिन मन अनादिकाल से संसार के शरणागत है, इसीलिए सर्वप्रथम मन को संसार से विरक्त करना होगा और इसके लिए संसार के स्वरूप पर बार बार गंभीर विचार करना होगा कि ब्रह्मलोक पर्यंत
न कहीं सुख है और न कहीं दुख है। मनः कल्पित सुख ही हमको किसी मायाबद्ध जीव या किसी मायिक वस्तु से प्राप्त होता है, और जब उस वस्तु में अटैचमेंट हो जाता है तो उस वस्तु की कामना पैदा होती है, कामना की पूर्ति में लोभ पैदा होता है, अपूर्ति में क्रोध पैदा होता है। इस प्रकार हम दोनों ओर से पिस जाते हैं। संसार में द्वेष होने का कारण भी संसार में सुख मानना ही है। जब हमारी किसी वस्तु में आसक्ति होती है, हम उसको पाना चाहते हैं, तो उसकी प्राप्ति में जो विघ्न पहुंचाता है हमारा उससे द्वेष हो जाता है। तो यदि संसार में हम कहीं सुख न मानेंगे तो फिर हमारा कहीं द्वेष भी नहीं होगा, हमें दुख भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें दुख भी उसी वस्तु से मिलता है जिस वस्तु में हम सुख मानते हैं। तो इन बातों पर यदि हम बार बार गंभीर विचार करेंगे, जो हमने गहराई से आपको संसार के स्वरूप के विषय में बताया था, तो हमारा मन संसार से रिक्त हो जाएगा, और तब ऐसा रिक्त मन ईश्वरीय शरणागति का अधिकारी बनता है। लेकिन ये ईश्वरीय शरणागति बिना किसी वास्तविक महापुरुष की कृपा के नहीं हो सकती, इसीलिए महापुरुष तत्व के विषय में भी बहुत विस्तार से आप लोगों को बताया गया। पश्चात आपको बताया गया कि ईश्वर प्राप्ति के या ईश्वरी शरणागति के तीन मार्ग हमारे यहाँ वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। नंबर एक कर्म मार्ग, नंबर दो ज्ञान मार्ग, एवं नंबर तीन भक्ति मार्ग। कर्म धर्म के विषय में आपको संक्षेप में ये बताया गया कि यदि कोई कर्म धर्म ईश्वर भक्ति से युक्त है, तब वो कर्म धर्म हमारे काम का है, अर्थात मन से निरंतर ईश्वर भक्ति करे और शरीर से यथाशक्ति कर्म करे, तो इसे कर्मयोग कहते हैं। इससे माया निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति हो सकती है, होती है। लेकिन अगर कोई केवल कर्म धर्म करे तो 100% विधिवत भी हो जाए तो भी वो माया से परे नहीं ले जा सकता। उसका अंतिम परिणाम स्वर्ग है, जो माया की ही एक क्लास की जेल है, और नश्वर है, जहाँ से लौटकर फिर वेद कहता है हीन तरम वा विशंति, हीन तर योनियों में भटकना पड़ता है। इसीलिए भक्ति रहित कर्म धर्म निंदनीय है, भक्ति युक्त कर्म धर्म वंदनीय है। कंक्लूजन ये निकला। पश्चात ज्ञान का विषय आया, और ज्ञान के विषय में आपको ये बताया गया कल कि ज्ञान में 8 अंतरंग साधन होते हैं, विवेक, वैराग्य, शमदमादि षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और 8वां समाधि। तो अगर कोई समाधि की अवस्था पर भी पहुंच जाता है, जहां ज्ञान मार्ग का एंड हो जाता है, तब भी उसकी माया निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि वो जो कुछ चिंतन कर रहा है वो प्राकृत मन से कर रहा है, और प्राकृत मन से किया गया चिंतन मायातीत फल, दिव्य फल नहीं दे सकता। इसीलिए ज्ञानी का मोक्ष नहीं होता। लेकिन यहां पर फिर एक प्रश्न पैदा हुआ कि भाई भक्त भी तो जो चिंतन करता है सगुण साकार भगवान राम का, कृष्ण का, तो वो उसका मन भी तो प्राकृत ही है। भक्त के पास कौन सा दिव्य मन है? तो वो भी तो फिर भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। अगर प्राकृत मन से ज्ञानी ब्रह्म का चिंतन नहीं कर सकता, निर्गुण निर्विशेष निराकार का, तो फिर भक्त भी प्राकृत मन से सगुण सविशेष साकार भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। उनका तो देह अलौकिक है, चिन्मय है, कैसे करेगा वो उनका चिंतन? अरे और बात तो छोड़ो, यही बता दे कोई राम कृष्ण का ध्यान करने वाला कि भगवान के शरीर का रंग कैसा है, यही बता दे, अरे वो क्या बताएगा? स्वयं भगवान और महापुरुष भी नहीं बता सकते कि भगवान के शरीर का रंग कैसा है। आज तक कोई नहीं बता सका, सब उन्मत्त की तरह बोल देते हैं नील सरोरुह नील मणि। अरे नीले सरोरुह तो हम कितने देखते हैं, नीला कमल, नीला आकाश, काले बादल,
ये जिन चीजों से भगवान के शरीर के रंग की उपमा दी जाती है ये तो हम रोज देखते हैं, लेकिन हम तो इन चीजों के कभी दीवाने नहीं हुए। अगर ऐसा ही भगवान के शरीर का रंग है तो फिर तो भर पाए ऐसे भगवान से, उससे तो फिर हमारी माँ, हमारा बाप, हमारा बेटा, हमारी बीवी, हमारा पति अच्छा है। हाँ, तो ये जो उपमा दी जाती है भगवान के शरीर का रंग ऐसा है, ये कोई सही उपमा थोड़ी ना है। लेकिन दे देते हैं महापुरुष लोग कुछ आइडिया देने के लिए, कुछ चिंतन का विषय देने के लिए, क्योंकि भगवान का जो रंग है वो तो चिन्मय है। कोई भी प्राकृत वस्तु कैसे बताएगी कि हाँ हमारे जैसा रंग है उसका? किसी भी प्राकृत वस्तु से भगवान के दिव्य शरीर की या दिव्य रंग की उपमा कैसे दी जा सकती है? तो फिर उसके आधार पर जो भक्त ध्यान करता है, भाई महापुरुषों ने लिखा है नीले कमल की तरह, काले बादलों की तरह, तो ये तो प्राकृत ध्यान ही तो हो रहा है उसका, अलौकिक ध्यान कहां से हो रहा है? दिव्य चिन्मय रूप तो आएगा ही नहीं उसके मन में। तो फिर भक्त को भी तो भगवान मिलते हैं प्राकृत चिंतन के आधार पर, तो कैसे मिलते हैं? तो इसका कल समाधान किया गया था आपके समक्ष कि भाई भक्त को इसीलिए भगवान मिलते हैं क्योंकि भक्त सगुण सविशेष साकार भगवान का उपासक होता है, और सगुण सविशेष साकार भगवान कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, और जब भक्त उनका ध्यान करता है तो जो जो उसकी भक्ति आगे बढ़ती है त्यों त्यों उस भक्ति की मात्रा के अनुसार भगवान उसके अंतःकरण में स्वरूप शक्ति का दान करते जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसका अंतःकरण दिव्य होता जाता है और फिर वो आगे चल करके भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान कर सकता है। अथवा मायिक चिंतन पर ही वो अकारण करुण भगवान प्रसन्न होकर के उस पर दया करते हैं और अपनी शक्ति प्रदान करके उसको दिव्य चिंतन की योग्यता प्रदान कर देते हैं। लेकिन ज्ञानी का ब्रह्म ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञानी निर्गुण निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का उपासक है, और निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म तो अकर्ता होता है, निष्क्रिय होता है, वो कुछ नहीं करता, इसीलिए वो स्वरूप शक्ति का दान भी नहीं कर सकता। इसीलिए ज्ञानी का मन हमेशा प्राकृत रहता है, इसीलिए ज्ञानी की माया निवृत्ति नहीं होती। बिनु हरि कृपा न जाती यह माया अति बलवान, राधे राधे ज्ञानिन ब्रह्म कछु कर पुनि किमि कर कल्याण, राधे राधे। तो इस बात को जब ज्ञानियों ने रियलाइज किया कि भाई हम ज्ञान मार्ग के एंड पर पहुंच गए, समाधि की अवस्था प्राप्त हो गई हमको, हमको सात्विक सुख भी मिल गया और सत्गुण से उत्पन्न ज्ञान भी मिल गया, फिर भी हमारी माया निवृत्ति नहीं हुई, गुणावरिका माया नहीं गई, विद्या माया नहीं गई, तब फिर वो हार कर अंत में सगुण सविशेष साकार भगवान की शरणागति ग्रहण करते। बहु नाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। करोड़ों जन्मों के निरंतर प्रयास के पश्चात भी जब माया निवृत्ति नहीं होती तब फिर अंत में वो मेरी शरण में आता है, श्री कृष्ण कहते हैं। और जब भगवान की शरण में गया, उनकी भक्ति की, तब उनकी कृपा से फिर उसकी माया निवृत्ति होती है, तब उसको मोक्ष मिलता है। इसीलिए भक्ति के बिना मोक्ष नहीं होता। कंक्लूजन ये, जिमी थल बिनु जल रही न सकाई,
कोटि भांति को करे उपाई तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई रही न सकई हरि भगति बिहाई। असंभव है कि भक्ति के बिना मोक्ष हो जाए, लेकिन जी फिर ऐसा क्यों कहा गया वेदों में शास्त्रों में कि ज्ञान से मोक्ष होता है।